आशा और विश्वास दोनों एक साथ टूटेगा। अगले 7 दिनों में सच्चाई निकलकर शब के आंखों के सामने आएगा। जी हाँ, नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तुला राशि वालों, आने वाले अगले 7 दिन तक हो जाइए सावधान, क्योंकि दोस्तों आपके साथ बहुत बड़ा विश्वासघात होने वाला है, जिस पर आप दिलो जान से आंख मूंद कर भरोसा कर रहे हैं और जिसको आप अपना सबसे बड़ा शुभ चिंतक समझ रहे हैं, वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन निकलेगा। क्योंकि दोस्तों, भेड़ के खाल में कौन भेड़िया छुपे हैं इस बात के बारे में आप नहीं जानती हैं, जो कि पता चलेगा आपको आने वाले अगले 7 दिनों में। और आशा और विश्वास दोनों एक साथ टूटेगा और आपको सब कुछ समझ आ जाएगा, कौन अपने हैं और कौन पराए हैं, कौन जिंदगी में मुसीबतों में कौन साथ देता है और कौन साथ नहीं देता है। दोस्तों, जिंदगी में मुसीबतों का भी आना कभी कभी जरूरी होता है, तभी तो पता चलता है कौन अपने हैं और कौन पराए हैं, कौन हाथ पकड़ता है और कौन हाथ छुड़ा कर जाता है। दोस्तों, बात अगर आपको समझ आई तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा और नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में कह दीजिएगा राधे राधे, जय हो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। दोस्तों, ग्रहों ने कुछ ऐसा रूप दिखाया है, आने वाले अगले 7 दिनों तक आप संयम और धैर्य बनाकर रखना आपके लिए उचित रहेगा। कानूनी कार्यों से बिल्कुल दूर रहे और उनसे दूरी बनाकर रखना ही आपके लिए बेहतर रहेगा। दोस्तों, आप ध्यान रखें कि कुछ मतलबी लोग आपकी नजदीकियां बनाने की कोशिश कर सकते हैं, इस पर इस समय बहकावे और किसी की चिकनी चुपड़ी बातों में लगने से आपको अभी बचना होगा, सतर्क रहना होगा, अन्यथा आपके साथ विश्वासघात हो सकता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, इस समय जल्दबाजी में कोई भी निर्णय आपको लेने से बचना होगा, अपनी बनाई हुई नीतियों पर ही कार्य करें तो ये आपके लिए बेहतर रहेगा। इस समय कोई भी नई गतिविधि शुरू करने के लिए या किसी नए काम शुरू करने के लिए परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं है, ऐसे में सभी कार्यों को स्थगित रखना ही आपके लिए उचित रहेगा। इस समय किसी भी तरह का महत्वपूर्ण वार्तालाप या मीटिंग में कोई ऐसी बात आपके मुंह से निकल सकती है जिसके लिए बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। ऐसी वाणी भूल से भी प्रयोग ना करें, अपनी मुंह से ना निकालें, जिससे कि बाद में आपको अपनी वाणी से शर्मिंदगी महसूस हो। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय पैसों से संबंधित लेन देन करते समय आपको मित्र अथवा किसी संबंधी के साथ वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए जितना हो सके आप सतर्क रहें और इस समय लेन देन का कार्य जो है स्थगित रखना ही आपके लिए उचित रहेगा, अन्यथा आपके साथ छल या धोखा हो सकता है। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय व्यवस्थित भी हो जाएंगे और इस समय आय के साथ साथ खर्चों की भी अधिकता रहेगी, खर्च पर अभी आपको कंट्रोल रखना होगा, ये आपके लिए बेहतर रहेंगे। इस समय सोसाइटी अथवा किसी सामाजिक गतिविधियों में खुद को दूर रखें, पड़ोसियों के साथ किसी प्रकार की अनबन अथवा झगड़े की स्थिति बन सकती है। इसके उपरांत यह समय आपको जो है सावधानी बरतना होगा, नहीं तो यह मामला आगे बढ़ सकता है, कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकता है, जो कि आपके लिए परेशानी खड़ी करेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह देखिए संतान से संबंधित कार्य में व्यवस्थित रखना आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत बच्चों को अपनी पढ़ाई के प्रति की गई मेहनत के सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। अगर किसी नवीन वस्तु अथवा गाड़ी की खरीदारी संबंधी योजना है तो वह भी आपकी समय पूरी हो सकती है, परंतु आपको इस समय जो है अपने बुद्धि विवेक से कार्य करना होगा। किसी धार्मिक उत्सव में जाने का प्रोग्राम बन सकता है। कभी कभी देखिए कोई कार्य मनोकूल तरीके से न बनने की वजह से आत्मविश्वास में कमी दिखाई देगी। कोई अचानक या फिर अनजान जो है अनावश्यक खर्चे आपके सामने आ सकता है, इसलिए देखिए सभी कार्य को करते समय अपने बजट का अवश्य बनाए रखना आपके लिए उचित रहेगा।
देखिए, इस समय दूसरों की सहायता की उम्मीद करने की बजाय अपनी काबिलियत पर भरोसा रखना आपके लिए बेहद जरूरी है। जितना आप दूसरों पर भरोसा करेंगे उतना आपके लिए परेशानी होगा। देखिए, इंसान इंसान को धोखा नहीं देती है, बल्कि वो उम्मीदें धोखा देती है जो एक दूसरे पर रखती हैं। इसलिए अभी आपको उम्मीद रखना ही नहीं है जो कि आपके साथ धोखा होगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, इस समय कुछ भविष्य संबंधी योजनाएं उधर में भी अटक सकती है और कोई दोस्त रिश्तेदार आपकी भावनाओं का गलत फायदा उठा सकता है। इसलिए आप जितना हो सके अपनी फीलिंग, अपनी मन की बात जो है एक दूसरे से जाहिर करने से बचें, ये आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, यह समय कहीं यात्रा कर रहे हैं तो अपने देखिए सम्मान का विशेष ध्यान रखें, यह आपके लिए जरूरी है। आपके कुछ नजदीकी मित्र अथवा रिश्तेदार ही आपके खिलाफ कुछ अफवाहें फैला सकता है, इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। विद्यार्थी अथवा युवा वर्ग, अपने लक्ष्य को आंखों से ओझल ना होने दें, यह आपके लिए उचित रहेगा। वहीं दोस्तों, अगर आपके व्यवसाय को लेकर बात करें तो यह समय व्यवसाय अथवा कामकाज को लेकर कोई भी निर्णय जल्दबाजी में आपको लेने से बचना होगा। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन आपके लिए उत्तम रहेगा। ऑफिस में आपकी कार्य प्रणाली से प्रभावित होकर उच्च अधिकारी आपको पदोन्नति दे सकती हैं। वहीं दोस्तों, आपके लिए जो समय होंगे, आपके कैरियर बिजनेस के लिए जो समय होंगे, यह समय अपनी व्यवसायिक पार्टियों के साथ संबंध में मजबूती रखें तथा बाहरी गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान दें तो आपकी दिशा रहेगा। नौकरी पेशा व्यक्तियों का कोई प्रोजेक्ट देखिए निरस्तार हो सकता है, जिसकी वजह से उन्हें दोबारा मेहनत भी करनी पड़ेगी। तैयारी बनाकर रखना आपके लिए उचित रहेगा। इसके उपरांत आप अपनी व्यवसायिक कार्यप्रणाली का किसी के भी सामने जिक्र ना करें, वरना कोई आपको धोखा दे सकता है। हालांकि स्टाफ और कर्मचारी का काम को समय पर पूरा करने के लिए उचित सहयोग रहेगा और इस समय थोड़ा सा आपको सावधानी बरतना ही उचित रहेगा। इसके उपरांत आपके लिए जो समय होंगे, आपके बिजनेस के लिए जो समय होंगे, यह समय व्यवसायिक क्षेत्र में हर गतिविधि अपनी निगरानी में ही करवाएं तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ध्यान रखें, किसी के दखल में आपके कामों में देखिए गड़बड़ी हो सकता है। नौकरी पेशा लोग अपने किसी लक्ष्य को हासिल करने में असफल रह सकते हैं और मन आपका थोड़ा सा उदास रह सकता है। वहीं दोस्तों, अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें तो यह समय कुछ समय से परिवार के साथ मनोरंजन संबंधी कार्यों तथा उनके सानिध्य में भी व्यतीत करें। विवाहेतर संबंध, प्रेम संबंधों की देखिए काम आपको कामना न करें और पति पत्नी के बीच वैचारिक मतभेद रहेंगे। आप अपना देखिए खाना और प्रेम संबंध, एक दूसरे की देखिए संवेदनशीलता को समझना आपके लिए जरूरी है। वहीं दोस्तों, अगर आपकी हेल्थ यानी कि सेहत को लेकर बात करें तो यह समय खांसी जुकाम की वजह से कुछ